साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल। उत्तर प्रदेश के चुनाव में मोदी योगी की टीम को हराने के लिए अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर भी खुलकर मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने हिजाब से भी एक बड़े मुद्दे को हवा दे दी है। खास बात यह है कि उन्होंने इशारों ही इशारों में तेलंगाना में अपने सहयोगी यानी ओवैसी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में जा करके समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। जो ओवैसी तेलंगाना में रिमोट कंट्रोल से केसीआर की सरकार को चला रहे हैं, वो भी चुपचाप तमाशा देखते रहे। अब ये उत्तर प्रदेश का एक ऐसा पॉइंट है जिसे बहुत ही बारीकी से गौर फरमाने की ज़रूरत है। आप इसके पूरे प्लॉट को समझ पाएं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप केसीआर के इस विवादित बयान को सुनिए। There is nothing wrong with Mr. Rahul Gandhi and asking for the proof of surgical strike. What was wrong? Even now I am asking. Come on, let the government of India show. It is the responsibility. There are apprehensions among the people. BJP makes mispropaganda, false propaganda. That is why people are asking for a proof. पुलवामा हमले की तीसरी बरसी पर दिया गया एक मुख्यमंत्री द्वारा ये बयान न केवल आपत्तिजनक है बल्कि बेहद शर्मनाक है। उन्होंने न सिर्फ सेना के शौर्य और बलिदान का अपमान किया बल्कि एक प्रकार से मोदी का विरोध करते करते वो भारत के विरोध में भी खड़े हो गए हैं। अब आपको ये समझना ज़रूरी है या आप ये पूछेंगे कि आखिर इस बयान का उत्तर प्रदेश के चुनाव से क्या लेना देना है। तो ये समझने के लिए आपको 5 साल पहले की एक तस्वीर देखनी पड़ेगी जब उत्तर प्रदेश में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला था। मैं एक रिपोर्ट लेकर आया हूं, आप ये रिपोर्ट देखिए। पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा ने जो प्रचंड बहुमत हासिल किया था, तो उसके पीछे आखिर क्या वजह थी? तो कई सारी मीडिया रिपोर्ट आई, मैं एक लेकर के आया हूँ। देखिए इसमें क्या लिखा है, सर्जिकल स्ट्राइक और नोटबंदी का गहरा असर पड़ा और जनता पर ही इसका प्रभाव पड़ा। आप देखिए, उत्तर प्रदेश इलेक्शंस रिजल्ट्स 2017, डेमोनेटाइजेशन प्लस सर्जिकल स्ट्राइक इज इक्वल टू 300+ सीट्स फॉर बीजेपी। अब आप ये समझ लीजिए कि अभी हिजाब का ये मुद्दा जो गर्मा रहा है, दरअसल उससे अखिलेश यादव का काम नहीं बनने वाला है। अब अखिलेश के समर्थन के लिए केसीआर ने इस मुद्दे को छेड़ा है। अब अखिलेश और केसीआर का क्या पॉइंट है जहां वो मिल रहे हैं, उसको समझने के लिए आपको ये बयान सुनना चाहिए। अखिलेश यादव ने भी सर्जिकल स्ट्राइक 2 को लेकर पाकिस्तान की भाषा बोली थी। आप पहले ये बयान सुनिए। घटना हुई है, देश की जनता सच्चाई जानना चाहती है और सच्चाई कैसे आएगी सामने, ये सरकार कर सकती है और सरकार की कोशिश होनी चाहिए। पुलवामा में जो घटना हुई है उसकी पूरी की पूरी सच्चाई जनता के सामने आए। यानी जिस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत मिला था, उसी मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरने के लिए अखिलेश और केसीआर एक ही जुबान में बात करने लगे। जाहिर है भाजपा को भी इन पर हमला करने का मौका मिल गया है। देखिए अनुराग ठाकुर ने क्या कहा है। जब आप कांग्रेस और टीआरएस को ये देना होगा कि ये भारतीय सेना के साथ है कि पाकिस्तान के साथ है। अब सवाल ये है कि ये सारा मुद्दा अचानक कैसे गर्माने लगा? मतलब आज ऐसा क्या हो गया कि ये सारे मुद्दे उठने लगे सर्जिकल स्ट्राइक के? तो इस पर भी एक बहुत बड़ा गहरा राज है। दरअसल आज उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। अब इस चरण के मतदान की क्या खासियत है वो आपको समझनी पड़ेगी। इस चरण में मुस्लिम वोटर ही सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है और तमाम मीडिया रिपोर्ट में आप देख सकते हैं। ये देखिए, मुस्लिम्स इन फोकस, S55 यूपी कॉन्स्टिट्यूएंसीज गो टू पोल्स इन सेकेंड फेज। यही बात जो है, जो भी मैं न्यूज़ चैनल देख रहा था उसमें भी मुस्लिम वोटरों को लेकर ही सारी चर्चा हो रही थी। आप एक छोटी सी रिपोर्ट ये देखिए। इस दौर में चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि 55 सीटों में से 25 सीटों पर मुस्लिम वोटर ही जीत और हार तय करते हैं। जाहिर है
जब अल्पसंख्यकों के वोटों के पीछे सारी पार्टियां पड़ी हो तो वही मुद्दे उठाए जाएंगे जिससे ध्रुवीकरण को मजबूती मिले। और केसीआर की बात करें तो पहले वो हिजाब के मुद्दे को उठा रहे थे, अब वो सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा उन्होंने उठा लिया। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, केसीआर ने हिजाब के मुद्दे पर भी सीधे प्रधानमंत्री मोदी को लपेट लिया। आप देखिए ये रिपोर्ट है, क्या लिखा है केसीआर ने इस रिपोर्ट के हिसाब से, मोदी टर्निंग इंडियन सिलिकन वैली इनटू कश्मीर वैली। अब सोचिए हिजाब का मामला है, उससे प्रधानमंत्री मोदी का क्या लेना देना। ये मामला कर्नाटक के एक छोटे से शहर का है, वहाँ एक स्कूल में कुछ बच्चियों को भड़का कर, जो वो बच्चियाँ हैं जो पहले स्कूल जा रही थी, उन्हें भड़का कर हिजाब पहनकर जाने के लिए कहा गया, स्कूल से विवाद हुआ, बहुत छोटा सा मुद्दा था, फिर उसमें कट्टरपंथी जुड़े जो पहले से ही साजिश रच रहे होंगे, फिर उन्होंने इस पूरे मुद्दे को भड़काया और उनको भड़काकर हिजाब के साथ जाने को कहा गया। मतलब जो लड़कियां पहले स्कूल के बाहर, आज भी स्कूल के बाहर बिना हिजाब के जा रही थी, वो स्कूल में हिजाब के लिए नारेबाजी करने लगी। अब जब कट्टरपंथियों ने इस मुद्दे को हवा दे दी तो ओवैसी और अखिलेश यादव इस मुद्दे को उत्तर प्रदेश लेकर आ गए और अब केसीआर ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी को ही इसमें घसीट लिया। सोचिए आप मुद्दा बनाते हैं, आप उसे उठाते हैं और फिर उसी मुद्दे के लिए प्रधानमंत्री मोदी को ही कसूरवार ठहरा देते हैं। आप ये बाइट सुनिए केसीआर की, आपको इससे बहुत कुछ समझ में आएगा। जब भी चुनाव आता है तो सरहद पे कुछ गड़बड़ पैदा करो, युद्ध करा दो या कुछ करा दो, या धर्म के नाम पे बहकाओ भड़काओ और जनता को भावुक बना दो, वोट कमा लो, क्या ये तरीका है? इस प्रकार का राजनीति बंद होना चाहिए। अब ये सवाल उठ सकता है कि केसीआर आखिर यूपी चुनाव में क्यों दखलंदाजी दे रहे हैं, क्यों वो प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध रहे हैं? तो इसमें केसीआर की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि वो, उनकी जो सरकार है वो ओवैसी के समर्थन से चल रही है, ऐसे में वो खुल करके अखिलेश यादव का समर्थन भी नहीं कर सकते और ओवैसी का विरोध भी नहीं कर सकते। जबकि एक सच्चाई ये है कि केसीआर की पहचान देश के उन नेताओं में है जो कि तुष्टीकरण के कारण एक खास तबके के चहेते रहे हैं, लेकिन उनको भी पता है कि ओवैसी और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में एक ही मंच पर है। बाहर से अलग अलग वो दिखाई दे सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उनमें से जो भी कैंडिडेट जीतेगा वो सब का सब मोदी का विरोधी होगा, मोदी विरोध में वो लगभग एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़े नजर आते हैं। अब केसीआर के बयान को थोड़ा आगे ले जाता हूं तभी आपको इस पूरे बयान का मतलब समझ में आएगा। केसीआर दरअसल दूर की कौड़ी खेल रहे हैं, उन्हें उनका निशाना सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं है बल्कि उनका निशाना उनका अपना राज्य तेलंगाना भी है, जहां प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता में लगातार बढ़ोतरी हो रही। प्रधानमंत्री मोदी बेहद लोकप्रिय हो चुके हैं और इसी वजह से अभी कुछ ही महीने पहले उन्हें टीआरएस को हुजूराबाद में भाजपा से करारी हार का सामना करना पड़ा था। ये रिपोर्ट देखिए, इससे समझ में आएगा। और यही वजह है कि भाजपा के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को भी ये सब कुछ कहने का मौका मिला है। हजूराबाद में हुई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हजूर के बोल बिगड़े नजर आते हैं। अभी तो एक चुनाव हारे, उसके बाद ये हालत है। इसे साफ दिखाई देता है कि तेलंगाना में केसीआर जी और टीआरएस की जमीन खिसक रही। अब आप ये समझ लीजिए कि कर्नाटक और पुडुचेरी के बाद तेलंगाना तीसरा राज्य है जहां कमल खिलने वाला है, और ये सभी रिपोर्टें इस ओर इशारा करती हैं। आप देखिए, मैं कई सारी रिपोर्ट्स खंगाला, तेलंगाना में भाजपा बहुत ही मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी है और वहां पर चुनावी चाणक्य माने जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी खास नज़र है और वो वहां की पूरी रणनीति तैयार कर रहे हैं। इसलिए जैसे जैसे तेलंगाना में भाजपा की दावेदारी मजबूत होती जा रही है, केसीआर चीफ, मतलब टीआरएस और टीआरएस के चीफ, केसीआर की जो बौखलाहट है वो भी बढ़ती जा रही है। अभी आपने कुछ ही समय पहले एक वीडियो देखा होगा जहां भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ
मारपीट की तस्वीरें भी आ रही हैं। आप देखिए कुछ सेकंड्स के मैं वीडियो आपको दिखाता हूं। अब इस वीडियो को देखकर आपको क्या समझ में आया? ये वीडियो ये इशारा करता है कि तेलंगाना में जो केसीआर है उनकी जमीन खिसक चुकी है, वहां की जनता मतदाता उनसे तंग आ रहे हैं और यही बौखलाहट जमीन पर भी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से वो लोग भाजपा के विरोध का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। जमीन पर भाजपा के कार्यकर्ताओं का विरोध और खुद केसीआर जो है वो प्रधानमंत्री मोदी का विरोध कर रहे हैं। मैं आपको एक और घटना का ध्यान दिलाना चाहूँगा। घटना की तरफ अभी स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का इनॉग्रेशन हुआ, उस लोकार्पण के कार्यक्रम में क्या हुआ? मुख्यमंत्री को प्रोटोकॉल के तहत जाना चाहिए था प्रधानमंत्री को रिसीव करने, लेकिन वो पहुँचे ही नहीं। वो ना तो उस लोकार्पण के कार्यक्रम में पहुँचे और ना ही उस मंदिर के कार्यक्रम में शामिल हुए जहाँ स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का लोकार्पण किया गया। Tracking the BJP has now lashed out at KCR over what they call an insult to the Prime Minister after Telangana Chief Minister skipped welcoming the Prime Minister as he landed in Hyderabad. So yes, अब ये सारी घटनाएं किस ओर इशारा करती हैं? ये इशारा करती हैं कि तेलंगाना में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है और यही वजह है कि KCR चिल्ला कर पूरी दुनिया को ये बात बता रहे हैं कि वो मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। देखिए तेलंगाना के सीएम KCR ने कहा मोदी को करेंगे पद से बेदखल। अब बताइए तेलंगाना का मुख्यमंत्री जिसकी अपनी पहुंच तेलंगाना में भी ख़त्म हो रही है, मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। आगे का ये बयान देखिए वो क्या कह रहे हैं। पीएम मोदी को कोस रहे हैं और कह रहे हैं कि बंगाल को भाजपा को बंगाल की खाड़ी में फेंक देंगे। ये रिपोर्ट देखिए, अब ये किस तरह की भाषा है। अरे भाई, अगर आप सियासी रूप से इतने मजबूत हैं तो आपको ये सब बोलने की ज़रूरत क्या है? आप पॉलिसी पे लड़िए, आप योजनाओं की आलोचना कीजिए, आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये तो एक तरीके से वही मामला हो गया ना कि थोथा चना बाजे घना। मतलब ये है कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप डिंगे हाँक रहे हैं। ये पूरी कहानी इसी ओर इशारा करती है। अब आप सच्चाई समझिए, KCR तेलंगाना का एक मुख्यमंत्री अगर पीएम मोदी के खिलाफ इस प्रकार उग्र होकर असभ्य भाषा में बात कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि तेलंगाना में पीएम मोदी की लोकप्रियता प्रचंड है और वो खुद उन्हें अपनी हार का एहसास होने लगा है। आप ये बाइट सुनिए KCR की, इससे आपको बहुत कुछ पता चलेगा। फ्रॉम दिस कंट्री व्हाई आई से फॉर दिस BJP should, government should be sent back. Why? But for all these sins. अब KCR का आप ये बयान देखिए, मतलब मोदी के विरोध में वो उनके पहनावे पर भी बयानबाजी कर रहे हैं। जरा सुनिए इस बयान को। ऊपर शेरवानी, अंदर परेशानी मॉडल, गुजरात मॉडल। जरा सोचिए कि एक तरफ ये KCR हिजाब का तो समर्थन करते हैं और दूसरी तरफ एक गुजराती पहनावे का वो विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में वो इतने आगे बढ़ चुके हैं कि उन्हें ये पता ही नहीं चल रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। मैंने तो एक वीडियो देखा, वहाँ पर वो ट्रोल आर्मी से भी जाकर मिल चुके हैं, ऐसे लोगों की किताबों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप ये वीडियो देखिए। इज इट द वे दैट इज हाउ स्वाति चतुर्वेदी हैज रिटन आई एम ए ट्रोल? Why did she write? She's a investigative journalist, very famous journalist. And this topic, there was a serious discussion in Harvard University also. Desham paruvodandi baita. जिन लोगों को लगता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव एक प्रदेश भर का चुनाव है, वो बड़ी गलतफहमी में है। दरअसल ये चुनाव उन राज्यों की किस्मत का भी फैसला करने वाला है, सियासी किस्मत का फैसला करने वाला है, उन सियासी दलों के बड़े नेताओं के भाग्य का भी फैसला करने वाला है जिन राज्यों में भाजपा या तो एक बड़ी ताकत है या फिर एक बड़ी ताकत बनकर उभर रही है। और यही वजह है कि महाराष्ट्र में चाहे शरद पवार हों या फिर ठाकरे परिवार,
या फिर बंगाल में ममता बनर्जी और अब तेलंगाना में केसीआर सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध रहे हैं। और बाकी तो जनता जनार्दन के हाथ में है, क्योंकि वो सब कुछ समझती है कि ये सारी चीज़ें चुनाव के वक्त क्यों उठाई जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।